एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का CICM क्लासेज में। मैं अमन सिंह, हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्लास 12th। 20 क्वेश्चन हमने पीछे की वीडियो में सोल्व कर लिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। तो हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 और 22 जो कि हमें क्या दे रखे हैं, MCQs टाइप के दे रखे हैं। ABCD चार ऑप्शन है, कोई ना कोई इसमें से क्या होगा, एक करेक्ट होगा। तो डायरेक्ट करेक्ट तो हम बता नहीं सकते, तुक्के लगा के हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसको सुटेबल करके लिखेंगे। ये पावर क्या लिखी हुई है, यहाँ पे हाफ पावर है, रूट को ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की हाफ। और इसका क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन। यहाँ तक कुछ समस्या नहीं है क्योंकि अपोन में हम इंटीग्रेशन नहीं करते, इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, अबो में होता है। जैसे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो पावर में वन ऐड होगा, सेम पावर नीचे, प्लस पावर में वन ऐड होगा, सेम पावर नीचे, और प्लस क्या जाएगा, कांस्टेंट। नहीं, क्वेश्चन ज़्यादा हो गए थोड़े, देखिए एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 3/2। ये 3/2 का तो क्या हो जाएगा, 2/3 घूम जाएगा, 3/2 एक्स की पावर 3/2। ये वन में से हाफ गया तो हाफ बचा, जैसे ही घूमेगा तो ये हो जाएगा 2, और ऊपर क्या बचेगा, एक्स की पावर हाफ प्लस का सी। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, 2/3, ये रहा 2/3 एक्स की पावर 2/3, सॉरी 3/2 होना चाहिए, ये वाला नहीं है, 2/3 एक्स की पावर 3/2 ये वाला है। कंप्लीट ही आ गई 2x की पावर 1/2 प्लस सी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन क्या, सी हो जाएगा करेक्ट। एक बार दोबारा से देख लीजिए, हाफ का मतलब आधी पावर, आधे में एक जोड़ा 3/2, नीचे भी आएगा 3/2। जैसे इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, 3/2 का क्या बन जाएगा, 2/3, 1/2 का क्या बन जाएगा, 2। ऊपर वन में से हाफ गया, हाफ बचा, 3/2 ये हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 सोल्व करते हैं। इसका ऑप्शन आ रहा है हमारा सी, फर्स्ट 21 का आ रहा है सी। अब हम सोल्व करेंगे 22 में हमें दे रखा है d/dx। एफ एक्स ये है तो f2 = 0 होने पर एफ एक्स ज्ञात करना है, तो एफ एक्स निकालना मतलब कि डिफ्रेंशिएट का उल्टा करना है, अपोजिट, एंटी डेरिवेटिव लेना है, इसका मतलब इंटीग्रेशन। एफ एक्स बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन 4x³ - 3, इसको मैं ऊपर ले जाके लिख दूँ x⁻⁴। हम पढ़ते आए पावर को नीचे से ऊपर ले जाओ या ऊपर से नीचे, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन चेंज होता है पावर का। जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे x⁻n का लगेगा, वो कहता है एक पावर जोड़ दो, सेम पावर नीचे लिखो, एक पावर ऐड कर दो, सेम पावर नीचे लिखो, और प्लस का एक आ जाएगा कांस्टेंट। जैसे ही मैंने अप्लाई किया ये आ गया 3+1, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो x⁴ बची, यहाँ से माइनस के 3 बचेगा, ये -4+1 क्या बचेगा, माइनस का 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में प्लस का सी। यहाँ से आ जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू x⁴ प्लस माइनस पावर है तो इसको नीचे ले जाके लिखेंगे प्लस का सी। अब यहाँ पे x⁴ + 1/x³ कौन सा है, ये फर्स्ट भी ए भी है और सी भी है, इसके लिए हमें कांस्टेंट अलग अलग है। तो कांस्टेंट के लिए हमें क्या दे रखा है कि जैसे ही x = 2 रखोगे तो ये आगे वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ 2 रखो, जैसे ही अप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 + 1/2 की पावर 3 प्लस का कांस्टेंट इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब जो कांस्टेंट निकल के आएगा वो दोनों का माइनस आएगा, क्या आएगा समझो, यहाँ से जो कांस्टेंट आएगा वो माइनस में आएगा। इसको पूरी कैलकुलेशन को जब सॉल्व करोगे तो ये जो माइनस में आ रहा है ना, माइनस में 129/8, क्योंकि दो ऑप्शन बचे हैं तो सॉल्यूशन कैलकुलेशन तो क्या आएगी, 129/8 ही आएगी। सी की वैल्यू जब माइनस में आ रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, और जैसे यहाँ माइनस आएगा इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.1 कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आई टैब में मिल जाएगी ऊपर। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।